हेलो माय डार्लिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा बी चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज मैं किस बारे में आपको बताने वाली हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मेकअप को लेके हम लोगों को बहुत सारे मिथ्स हैं, डाउट्स हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों के लिए सही है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं होता है कि उनका यूज क्या है, उनको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन किस तरह का होना चाहिए। तो आज जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ वो है पाउडर फाउंडेशन। इसे कईयों को पाउडर फाउंडेशन कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है और किस तरह के स्किन के लिए सूटेबल है, किस पे सूट करेगा, कैसे लगाना है, ये नहीं पता होता है। तो वही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसा बोला जाता है कि पाउडर फाउंडेशन लगाना इज वेरी इजी, इट इज इजियर देन अप्लाइंग लिक्विड फाउंडेशन या क्रीम फाउंडेशन, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाउडर फाउंडेशन अगर आपने ठीक तरह से नहीं लगाया है तो आपके पोर्स को और आपके ब्लेमिशेस को और आपके स्किन के जितने भी फ्लॉस है उसको एनहांस कर सकता है। अगर आपके ओपन पोर्स इतने हैं भी नहीं तो भी उसको बहुत ज्यादा एनलार्ज करके दिखा सकता है अगर आपने पाउडर फाउंडेशन ठीक से नहीं लगाया है। सो यस, इट इज नॉट दैट इजी एज इट सीम्स। जो हम कॉम्पैक्ट यूज करते हैं वो पाउडर फाउंडेशन नहीं है। कॉम्पैक्ट इज अ सेटिंग पाउडर जिसमें थोड़ा सा पिगमेंट होता है। अगर आपने कुछ बीबी क्रीम या टिंटेड मॉइस्चराइजर लगाया है तो उसके ऊपर आप अगर कॉम्पैक्ट लगाओगे तो इट विल लुक परफेक्ट। कॉम्पैक्ट एंड पाउडर फाउंडेशन इज नॉट सेम। पाउडर फाउंडेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट। लोगों को वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है, पर उससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए ये सब मैं वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि पाउडर फाउंडेशन के क्या क्या प्रॉज है, पाउडर फाउंडेशन लगाने के क्या क्या फायदे हैं। इट इज वेरी लाइट वेट, हमारे स्किन पे बहुत लाइटली बैठता है, बहुत हैवी नहीं फील होता। आप जब इसे लगाते हो तो आपको लगता ही नहीं है आपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है। स्वेटिंग ज्यादा नहीं होती है। परफेक्ट फाउंडेशन टू बी यूज्ड इन समर्स। समर में इसे आप यूज कर सकते हो, आपको स्वेटिंग नहीं होगी, हैवी नहीं लगेगा, ऑयली नहीं लगेगा। जिनका फेस बहुत ऑयली है, जिनका बहुत ऑयल सीक्रेशन होता है, उनके लिए पाउडर फाउंडेशन इज बेटर देन लिक्विड फाउंडेशन। आपके ऑयल को कंट्रोल करता है, ऑयल सीक्रेशन इतना नहीं होता है, बहुत देर तक आपका मेकअप लास्ट करता है। फाउंडेशन पाउडर फॉर्म में है तो इसमें बहुत कम प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। जो आर्टिफिशियल केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स हैं ये बहुत कम यूज होता है पाउडर फाउंडेशन में। दिस इज वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस पाउडर फाउंडेशन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसको रीटच करना बहुत ईजी है। जैसे आपने लिक्विड या क्रीम फाउंडेशन अगर लगा लिया तो वो अगर स्मज हो जाए, बज हो जाए, निकल जाए, कई बार खाना खाते वक्त निकल जाता है हमारे माउथ के एरिया से, लिक्विड फाउंडेशन टी जोन से उतर जाता है ऑयलीनेस की वजह से, तो उसे रीटच करना बहुत मुश्किल है। आपने पाउडर फाउंडेशन लगाया है एंड वो रिमूव हो गया तो आप उसको इजीली रीटच कर सकते हो, रीअप्लाई कर सकते हो विदाउट मच एफर्ट, विदाउट टेकिंग मच टाइम। पाउडर फाउंडेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है तो अगर आपका स्किन ठीक से प्रेप नहीं है या आपके स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है या ड्राई पैचेस है या फिर आपके बहुत ज्यादा बड़े ओपन पोर्स हैं तो ये पोर्स को और आपके जो स्किन के फ्लॉज हैं उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। अगर फेस में कहीं पे भी जरा सा भी ड्राइनेस है और आपने पाउडर फाउंडेशन लगा लिया तो आपका जो वो ड्राई पैच है वो और भी एनहांस दिखेगा, वो और भी ड्राई होके उभर के आ जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर फाउंडेशन। सेकेंड डिसएडवांटेज जो है कि पाउडर फाउंडेशन बहुत लाइट कवरेज वाला होता है। अगर आपके स्किन में ब्लेमिशेस हैं, मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क पैचेस हैं तो ये फाउंडेशन उनको कवर नहीं करेगा। इट इज वेरी वेरी लाइट कवरेज फाउंडेशन, मीडियम भी नहीं है, लाइट कवरेज फाउंडेशन है। प्रोडक्ट को जब आप परचेज करें तो जस्ट डोंट पिक एनी रैंडम फाउंडेशन। आपका जो लिक्विड फाउंडेशन में शेड है वही शेड आपको पाउडर फाउंडेशन में भी लेना है।
अगर आप अबव 50 हैं एंड अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा लाइन्स एंड रिंकल्स हैं, देन पाउडर फाउंडेशन इज़ नॉट फॉर यू. प्लीज़ पाउडर फाउंडेशन को यूज़ मत करिए, आपके रिंकल्स एंड लाइन्स को एम्फसाइज कर देगा ये. जो मेरे यंग एज के दोस्त हैं, जो 18 से 30 के बीच में हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट परफेक्ट है, क्योंकि इस एज में हमारे स्किन में इतना ज़्यादा फ्लॉज नहीं होता है. आवर स्किन इज़ वेरी सपल एंड सॉफ्ट. ऐसे स्किन टेक्सचर के लिए पाउडर फाउंडेशन इज परफेक्ट. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पाउडर फाउंडेशन. नाउ लेट्स सी कि इसको कैसे अप्लाई करना है परफेक्ट तरीके से. ये है पाउडर फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन, जिसके एक साइड पे फाउंडेशन और दूसरे साइड पे एक एप्लीकेटर स्पंज होता है. ज्यादातर पाउडर फाउंडेशन के साथ एप्लीकेटर स्पंज या फिर ब्रश आता है. हम यूजुअली इसी स्पंज एप्लीकेटर से ऐसे पाउडर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है इसे लगाने का, जिसकी वजह से स्किन चौकी, एशी और पैची लगता है. ये एप्लीकेटर प्रोडक्ट को सही तरीके से ब्लेंड या स्प्रेड नहीं करता है. सो नेवर यूज दिस टेक्निक टू अप्लाई योर पाउडर फाउंडेशन. पाउडर फाउंडेशन यूज करने से पहले द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज एक्सफोलिएट आवर स्किन. हमारे स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करना होगा, ताकि कोई अगर ड्राई पैचेस या डेड स्किन हो वो निकल जाए. यूज अ वेरी जेंटल एक्सफोलिएट. आप किसी भी तरह का बहुत ही जेंटल एंड माइल्ड स्क्रब यूज कर सकते हैं, पर अगर आपको पाउडर फाउंडेशन यूज करना है तो आपको उससे पहले अपने फेस को स्क्रब करना ही पड़ेगा. अगर आप स्क्रब नहीं करेंगे तो जितने भी डेड स्किन है या जो ड्राई पैच है वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा. पाउडर फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले अच्छे से स्किन प्रेप करना बहुत ज़रूरी है. स्किन बहुत वेल नरिश्ड और वेल मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए, ताकि स्किन ड्राई ना रहे, कोई भी ड्राई पैचेस ना रहे. प्राइमर लगाते वक्त भी खास ध्यान रखना है, कोई भी ज़्यादा मैटिफाइंग या ऑयल को कंट्रोल करने वाला प्राइमर ना लगाए हम. कोई भी ब्लरिंग, पो फिलिंग प्राइमर या फिर ड्यूई प्राइमर लगाना ठीक होता है. Always keep in mind, powder foundation का coverage बहुत ही light होता है, तो skin के blemishes and flaws को concealer से cover कर लें पहले. अगर आपका skin flawless है या बहुत ज़्यादा कोई blemishes या marks नहीं है, तो concealer लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. इसके बाद जितने भी क्रीम या लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट है उसे अप्लाई करें पहले. आईज एंड अंडर आईज की हाइलाइटिंग पाउडर फाउंडेशन लगाने से पहले ही करना है. अगर कॉन्टोरिंग के लिए कोई क्रीम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कॉन्टोरिंग भी फाउंडेशन लगाने से पहले ही करना होगा. सेम गोज फॉर लिक्विड और क्रीम बेस्ड ब्लश. अगर क्रीम ब्लश अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले ही होगा. द होल पॉइंट हियर इज, जितने भी लिक्विड या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है वो फाउंडेशन एप्लीकेशन से पहले ही होगा. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसमें पूरे फेस पे सेटिंग स्प्रे स्प्रेड करना है जेनरसली. प्लीज डोंट यूज मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे. मैटिफाइंग स्प्रे को छोड़ किसी भी तरह का सेटिंग स्प्रे इज गुड इनफ. अब इस तरह का फ्लैट टिप डेंस मीडियम साइज ब्रश को फाउंडेशन में डिप करें. आप कोई ब्लश ब्रश भी यूज कर सकते हैं. फिर इसे ऐसे बफिंग मोशन में इसे स्किन पे प्रेस करें. हमें ऐसे जेंटल प्रेसिंग मोशन में इस प्रोडक्ट को स्किन पे बफ करना है सेक्शन बाय सेक्शन. ब्रश को डिप करें प्रोडक्ट में, शेक ऑफ एक्सेस प्रोडक्ट और एक एक करके फेस के हर हिस्से पे इसे हल्के हाथों से प्रेस करें टू गेट फ्लॉलेस नेचुरल लुकिंग फिनिश. अगर आप क्रीम की जगह पे पाउडर प्रोडक्ट्स जैसे कि पाउडर ब्रॉन्जर, पाउडर ब्लश यूज करना प्रेफर करते हैं, तो ये सब पाउडर प्रोडक्ट्स पाउडर फाउंडेशन लगाने के बाद लगाएं. जस्ट रिमेम्बर, क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई होगा फाउंडेशन से पहले और पाउडर प्रोडक्ट्स अप्लाई होगा आफ्टर अप्लाइंग दिस फाउंडेशन. लास्ट स्टेप में अपने मेकअप को फिनिश करें विद अनदर जेनरस स्प्रे ऑफ सेटिंग स्प्रे. पाउडर फाउंडेशन बहुत ही अच्छा और स्किन लाइक नेचुरल दिखता है अगर सही तरीके से अप्लाई करे तो. इट कैन गिव ब्लरिंग फिल्टर लाइक लॉन्ग लास्टिंग लुक इफ यूज्ड इन करेक्ट वे. इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उसे फॉलो करें एंड गेट दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल बेस. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स मेनी ऑफ यू हु स्ट्रगल विद मेकअप. अगर आपको लगा कि ये वीडियो यूजफुल है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.